आइए इस वीडियो की शुरुआत वायुमंडल की परिभाषा से करते हैं। दोस्तों, पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए बहुस्तरीय गैसीय आवरण को वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर के नाम से जाना जाता है। आइए अब वायुमंडल के प्रमुख घटक यानी वायुमंडल के प्रमुख गैसों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहला गैस है नाइट्रोजन, जिसका आयतन संपूर्ण वायुमंडल का 78.03% है। दूसरा गैस है ऑक्सीजन। इस गैस का आयतन संपूर्ण वायुमंडलीय आयतन का 20.99% है। तीसरा गैस है आर्गन, जिसकी मात्रा वायुमंडल में 0.932% है। चौथा गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। इस गैस का आयतन संपूर्ण वायुमंडलीय आयतन का 0.03% है। इसी तरीके से पांचवा गैस है नियोन, जिसकी मात्रा वायुमंडल में 0.0018% है। छठा गैस है हीलियम, जिसकी मात्रा वायुमंडल में 0.0005% है। वायुमंडल का सातवां गैस है ज़ीनॉन, जिसकी मात्रा वायुमंडल में 0.0000087% है। इसके अलावे वायुमंडल में जलवाष्प तथा धूल कण भी पाए जाते हैं, जो वायुमंडल के प्रमुख घटक हैं। आइए अब वायुमंडल के संरचना को देख लेते हैं कि आखिर वायुमंडल में कितने परत पाए जाते हैं। दोस्तों, वायुमंडल को तापमान के आधार पर पांच मंडलों में विभाजित किया गया है। पहला मंडल है क्षोभ मंडल, जिसे इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर के नाम से भी जाना जाता है। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इस परत की ऊंचाई भूमध्य रेखा पर 16 किलोमीटर ऊपर तथा ध्रुवों पर 8 किलोमीटर ऊपर तक है। क्षोभ मंडल में समस्त मौसमी परिवर्तन होते हैं, जैसे वर्षा का होना, इंद्रधनुष का बनना, बिजली का गरजना आदि। मौसम के परिवर्तन होने के कारण ही इस परत को परिवर्तन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। क्षोभ मंडल में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान का ह्रास होता है। आइए अब दूसरे मंडल को देख लेते हैं। दोस्तों, दूसरा मंडल है समताप मंडल, जिसे इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फेयर के नाम से भी जाना जाता है। इस परत की ऊंचाई भूमध्य रेखा के ऊपर लगभग 18 किलोमीटर तथा ध्रुवों के ऊपर 50 किलोमीटर तक होता है। इस परत के निचले भाग में तापमान स्थिर रहता है, इसीलिए इसे समताप मंडल के नाम से भी जाना जाता है। यह मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त है, इसीलिए इस परत को वायुयान के उड़ान के लिए उपयुक्त माना जाता है। इस परत में पृथ्वी की सतह के ऊपर 15 से 35 किलोमीटर के बीच ओजोन गैस पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। आइए अब तीसरे मंडल को देख लेते हैं। दोस्तों, तीसरा मंडल है मध्य मंडल, जिसे इंग्लिश में मेसोस्फेयर के नाम से भी जाना जाता है। मध्य मंडल का विस्तार सागर तल से 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। वायुमंडल की इस परत में अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड शांत होकर नष्ट हो जाते हैं। आइए अब चौथे मंडल को देख लेते हैं। दोस्तों, चौथा मंडल है आयन मंडल, जिसे इंग्लिश में आयनोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी की सतह से 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक आयन मंडल पाया जाता है। इस परत में बढ़ते ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है। इसके अलावे इस परत में विद्युत चुंबकीय कण पाए जाते हैं तथा यहाँ रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। इसी कारण वायुमंडल के इस परत में
कृत्रिम उपग्रह यानी सैटेलाइट छोड़े जाते हैं। आइए अब पांचवें मंडल को देख लेते हैं। दोस्तों पांचवा मंडल है बाह्य मंडल, जिसे इंग्लिश में एक्जोस्फेयर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आयन मंडल के ऊपर वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत बाह्य मंडल कहलाती है। बाह्य मंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस पाई जाती है। इस परत में गैसें अत्यंत विरल होती है और धीरे धीरे बाहरी अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से यह हमारा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और हाँ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।